क्या आपके हाथ बहुत रफ दिखाई दे रहे हैं, बहुत बेजान से हो रहे हैं, इसमें डेड सेल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब आपके पास क्या उपाय है? मेरे चैनल से जुड़े हुए सभी लोग ना तो सोप यूज करते हैं, ना अच्छे अच्छे फेस वॉश लगाते हैं, ना अच्छी अच्छी क्रीम लगाते हैं, तो आपके लिए आज एक मैं बहुत सरल सा नुस्खा लेके आई हूँ जिससे आपके हाथ एकदम से क्लीन होने वाले, इतना डिफरेंस एक बार में आने वाला है। आप समझ सकते हो कि आप लगातार इसको लगाओगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा सरल सा नुस्खा जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो और रिजल्टफुल हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सब्सक्राइब बटन बहुत पास में, इसे जल्दी से हिट कर दो और पास में है बेल आइकन, उसे भी दबा दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मिलता है बहुत सारा मोटिवेशन। वीडियो इतनी रिजल्टफुल होती है कि सभी लोग इनसे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, तो क्यों ना आप भी इसको एक बार करके देखें। मैंने सबसे सरल सी चीज क्या ली है, ये गेहूं का आटा। आटे में बहुत सारे फाइबर होते हैं जो आपकी स्किन को ब्राइट करने में, आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, साथ साथ इसमें टॉक्सिन को हटाने की भी बहुत ज्यादा क्वालिटी होती है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गेहूं का आटा एक अकेली ऐसी चीज है जो आपके डेड स्किन को आराम से निकाल देती है, लेकिन ड्राइनेस छोड़ देती है। उसके साथ मैंने इसीलिए लिया है बेसन, ये आपके स्किन के डेड सेल्स को हटाता है, आपकी स्किन के ब्लैकहेड और व्हाइट हेड्स को हटाता है, ये आपकी स्किन की झुर्रियों को कम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत रूखी और बेजान हो रही है उसको क्लियर करने का काम करता है। ये आपकी स्किन के अनचाहे बालों को, यानी आपकी स्किन के हेयर्स को हटाने का भी काम करता है। तो बेसन मैंने इस वजह से लिया है। तीसरी चीज जो मैंने ली है ये है गुड़हल का पाउडर। आप सोचेंगे कि गुड़हल का पाउडर इजिली नहीं मिलता। अगर आपको आसपास किसी पंसारी की शॉप पे नहीं मिलता है, आपके आसपास फूल नहीं है जिनको आप ड्राई करके पाउडर बना सकते हैं, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके ले सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैंने गुड़हल का पाउडर ही क्यों लिया, क्योंकि स्किन को हाइड्रेट करता है, स्पॉट्स को निकालता है, आपकी डेड स्किन को, डेड सेल्स को खत्म करता है और आपकी रूखी और बेजान त्वचा में एक नई रौनक ला के देता है। आपको समझ में आया ना कि ये गुड़हल का पाउडर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैंने जो अगली चीज ली है वो है आमा हल्दी। आमा हल्दी मैंने आधा चम्मच लिया है। आपकी स्किन को ब्राइटनेस मिलेगा। ये एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक होती है। आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम होंगी उसको खत्म करने में ये हल्दी बहुत यूज आने वाली है। हल्दी के तो हम जितने भी गुण गाएंगे कम ही पड़ेंगे, क्योंकि हल्दी बहुत बेनिफिशियल होती है। किसी भी उपटन में हल्दी ना हो ऐसा कहाँ होता है। आधा चम्मच हल्दी और ले ली है। अब ये पाउडर बनके तैयार हो गया है। इस पाउडर को आपको घोलना कैसे है? अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा टैन दिखाई दे रही है, तो आप इसको दही के साथ घोलेंगे। और अगर आपको स्किन को बहुत जल्दी ब्राइट करना है तो दही के साथ आप कच्चा दूध भी मिक्स कर लेंगे। इस दोनों चीजों के साथ आप मिक्स करके इसको लगाएंगे और रिजल्ट आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। आपको क्या करना है, आप शावर लेने से पहले अपने हाथ पैर में इसको अच्छे से एक मिनट के लिए रब करेंगे और रब करते करते इसको आपको वॉश कर लेना है। बहुत टाइम नहीं देना है। रब करने के बाद आपको सुखाना नहीं है, रब करने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, रब करने के बाद आपको इसको वॉश कर लेना है। रिजल्ट आपको तुरंत दिखाई देगा। आपको हाथों को लगाने का मन करेगा, आपकी टैन निकल जाएगी, स्किन बहुत ब्राइट हो जाएगी। और ये पाउडर आप इतना बना के रखें कि लगातार 15 दिन तक यूज कर सकें, जिससे आप देखेंगे कि आपके हाथों का कलर, आपके स्किन का कलर कितना ब्राइट हुआ है। जैसे जैसे मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है, लोगों को जैसे जैसे मेरी रेमेडी पसंद आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आपका ना तो पैसा खर्च हो, ना आपको कोई साइड इफेक्ट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।